हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिवानीज किचन। आज हम 100% नेचुरल एंड इफ़ेक्टिव लौकी का तेल बनाएंगे। ये तेल आपके रूखे सूखे बेजान बालों को बहुत ही सॉफ्ट, स्मूथ और शाइनियर बनाएगा। ये आपके स्कैल्प इश्यूज़ जैसे कि डैंड्रफ, खुजली और यहाँ तक कि इन्फेक्शन जैसी प्रॉब्लम को भी दूर करेगा। ये आपके हेयर फॉल की प्रॉब्लम को दूर करेगा। ये आपकी बॉल्डनेस की समस्या को दूर करेगा और साथ ही साथ आपके बालों को बहुत ही काला, लंबा और मजबूत भी बनाएगा। और ट्रस्ट मी गाइस, अगर आप इसे रेगुलर बेसिस पर यूज़ करते हैं तो आपके बाल दुगनी तेजी से बढ़ने शुरू हो जाएंगे और आसानी से सफ़ेद भी नहीं होंगे। तो आइए इस अमेजिंग हेयर ऑयल को बनाना शुरू करते हैं। लौकी का तेल बनाने के लिए मैंने ये आधी लौकी यानी कि बॉटल गॉर्ड ले ली है। इसे मैंने पानी से अच्छे से वॉश करके लिया है ताकि इसके ऊपर जो भी धूल मिट्टी है वो अलग हो जाए। तो अब हम एक ग्राइंडिंग जार लेंगे और इसमें ये लौकी के इस तरह छोटे छोटे पीस करेंगे। जार का ढक्कन लगाएंगे और इसे अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। तो यहाँ आप देखिए, मैंने लौकी को अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। तो अब हम एक पैन लेंगे, गैस की फ्लेम ऑन करेंगे और इसमें ये एक कप नारियल का तेल यानी कि कोकोनट ऑयल डालेंगे। आप चाहें तो यहाँ कोकोनट ऑयल की जगह ऑलिव ऑयल या फिर आलमंड ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम इसमें ये ग्राइंड करी हुई लौकी का पेस्ट ऐड करेंगे। लौकी यानी कि बॉटल गॉर्ड में भरपूर मात्रा में विटामिन बी होता है, इसलिए ये हमारे हेयर फॉल की प्रॉब्लम को दूर कर हमारे हेयर ग्रोथ को प्रमोट करती है। ये हमारे रूखे सूखे बेजान बालों को बहुत ही सॉफ्ट, स्मूथ और शाइनर भी बनाती है। साथ ही हमारे बालों को सफ़ेद होने से भी रोकती है और साथ ही ये हमारे स्कैल्प प्रॉब्लम जैसे कि डैंड्रफ और खुजली को भी एकदम जड़ से ख़त्म कर देती है। नेक्स्ट, अब हम इसमें एक चम्मच फेनुग्रीक सीड्स यानी कि मेथी दाने ऐड करेंगे। मेथी दाने में भरपूर मात्रा में प्रोटीन और निकोटिनिक एसिड पाया जाता है। ये हमारे ड्राई, डल, डैमेज बालों को रिपेयर करती है। ये हमारे हेयर फॉलिकल्स को स्ट्रेंथन कर हमारे हेयर ग्रोथ को प्रमोट करती है और साथ ही हमारे बालों को बहुत ही काला, लंबा और मजबूत भी बनाती है। तो बस अब हम दोनों चीज़ों को तेल में अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इन्हें अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम दोनों चीज़ों को तेल में 5 मिनट अच्छे से पकाएंगे। पर मेक श्योर कि तेल बनाते टाइम हमेशा ध्यान रखें कि हम इसे बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम पर ही बनाएंगे, क्योंकि अगर आप इसे हाई फ्लेम पर बनाएंगे तो लौकी और मेथी दाना जल जाएंगे और इनकी गुडनेस तेल में बिल्कुल भी नहीं आ पाएगी। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि जब भी इस तेल को बनाएं तो एकदम लो मीडियम फ्लेम पर ही बनाएं। तो ये मैंने तेल को 5 मिनट अच्छे से पका लिया है। तो इस तेल को और ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए हम इसमें 1/4 कप कैस्टर ऑयल ऐड करेंगे और सारी चीज़ों को एक बार और अच्छे से मिक्स करते हुए तेल को 5 मिनट और पका लेंगे। तो यहाँ आप देखिए, मैंने तेल को टोटल 10 मिनट अच्छे से पका लिया है और लौकी और मेथी दाने की सारी गुडनेस तेल में अच्छे से आ गई है। तो बस अब हम गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे एकदम ठंडा हो जाने देंगे। और जैसे ही तेल ठंडा हो जाएगा हम इसे एक स्ट्रेनर की हेल्प से छान लेंगे। तो यहाँ आप देखिए, मैंने लौकी के तेल को छानकर बोल में अलग निकाल लिया है। तो तेल को स्टोर करने के लिए हम इस तरह कोई भी एक कांच का एयरटाइट कंटेनर ले लेंगे और इसमें तेल को स्टोर करेंगे। तो यह मैंने तेल को कंटेनर में फिल कर लिया है। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको इसको कवर कैसे अप्लाई करना है। तो सबसे पहले आप अपने बालों को छोटे छोटे सेक्शंस में डिवाइड कर लें और इसे अपनी स्कैल्प से लेकर हेयर टिप तक 10 से 15 मिनट अच्छे से मसाज करें। और इसे अच्छे से मसाज करने के बाद आप इसे अपने बालों में 1 से 2 घंटे के लिए लगा छोड़ दें या फिर आप इसे ओवरनाइट भी लगा छोड़ सकते हैं। और उसके बाद किसी भी माइल्ड शैम्पू से अपने बालों को वॉश कर लें। पर मेक श्योर कि अगर आप इस तेल के 100% इफेक्टिव रिजल्ट्स पाना चाहते हैं तो आप इसे हफ्ते में कम से कम 2 से 3 बार अप्लाई ज़रूर करें। और इसके रेगुलर यूज़ से आप कुछ ही दिनों में देखेंगे कि आपके हेयर फॉल की प्रॉब्लम एकदम दूर हो जाएगी। आपको आपके बाल पहले से कहीं ज़्यादा सॉफ्ट, स्मूथ और शाइनर फील होने लगेंगे। आपके डैंड्रफ और खुजली की समस्या दूर हो जाएगी और साथ ही आपके बाल दुगनी तेज़ी से बढ़ने भी शुरू हो जाएंगे और आसानी से सफ़ेद भी नहीं होंगे। आप इस तेल को रूम टेम्परेचर पर रखकर 6 महीने तक यूज़ कर सकते हैं। तो आप भी इस 100% नेचुरल एंड इफेक्टिव हेयर ऑयल को ज़रूर बनाइएगा और इसका रेगुलर यूज़ कीजिएगा, क्योंकि तभी आपको पता लगेगा कि ये कितना इफेक्टिव है। तो आप भी एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।